Hey guys, welcome back to our channel with another day and another vlog. जैसा कि हमें पता है रेनी सीजन आ चुकी है, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बारिश के साथ साथ पकौड़े तो आते ही हैं, उनके साथ साथ आते हैं कीड़े मकोड़े, फतिंगे, स्नेक, रेपिटाइज और बहुत सी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। करते हैं आज के वीडियो को, वो क्या है जिसके यूज से मैं अपने घर में आने वाले कीड़े मकोड़े को दूर भगाती हूँ और अपने घर को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये है एक फोम का डोर कवरेज डोर प्रोटेक्टर, काफी अच्छा है। मैं ये लास्ट 4 ईयर से यूज कर रही हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत औसम मिला है। इसके यूज से हमारे घर में एक चीते तक नहीं आ सकते हैं, बट अभी फिलहाल मेरा ये खराब हो गया था तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और देखो, ये है एक डोर प्रोटेक्टर, इसे डोर में कैसे लगाते हैं वो भी मैं आप लोग को लगा के दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ और इसे गेट पे। तो गाइस, जो ये दरवाजे होते हैं उनके नीचे के गैप को फिल करने के लिए ये होता है। जैसे कि ये दरवाजे में कुछ गैप होते हैं, चींटियां आराम से निकल के आ जाती हैं, चींटियां या फतिंगे। जैसे ये देखिए, ये चींटा यहाँ पे मरा पड़ा है। बारिश का मौसम है और देखो, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे कीड़े और पंख वाले जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बहुत ईजिली घर के अंदर घुस जाते हैं। देखो, आज ही घुस रहे हैं और हमारे यहाँ काफी बारिश हुई है, तो बस मैं अभी इसे यूज करने वाली हूँ। तो इसे ओपन कर लिया है एंड इसे दरवाजे में कुछ इस तरीके से बस डालना है और पीछे प्रेस कर देना है। अगर आपका गेट लंबा पड़ रहा है या छोटा पड़ रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरीके से मैंने इसे इसमें लगा दिया है। ये पूरा फिट हो गया है और इतना पोर्शन इस पर एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कैंची से काट दूंगी। और आप देख सकते हैं, देखिए कैसे ये जो उड़ने वाले कीड़े फतिंगे होते हैं अंदर घुस रहे हैं, इसको लगाने से ये बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगे। जैसे अभी थोड़ा टॉल है तो इसे हमें कट करना पड़ेगा, ये तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसे कट कर ले रहे हैं। बहुत इजीली कट हो जाता है, तो बस इसे हमने कैंची से कट कर लिया है। बहुत इजीली है और ये फोम का है, आप देखो इसे एक भी कीड़े अंदर नहीं आएंगे एज इट इज। इससे एक चींटी भी अंदर नहीं आ पाएगी। अब ये काफी यूजफुल है। तो ये दरवाजे में कुछ इस तरीके से फिक्स हो गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी अपने घर में चीते और फतिंगों से परेशान हो जाते हैं बारिश में, तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर से यूज़ करें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप भी यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को। अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर से यूज़ करें, काफ़ी काम का प्रोडक्ट है। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग मेरा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।